हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो गाइस, सबसे पहले यार मैं आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया बोलना चाहूंगा क्योंकि जो गाइस आज हम लोग की जो रॉक इंडियन फैमिली है ना, वो हो चुकी है पूरी 350,000 की फैमिली। तो गाइस, इसके लिए कमेंट सेक्शन में भसड़बाजी मची जानी चाहिए यार। और दोस्तों, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज हम लोग जो रॉक इंडियन आर्मी है ना, वो हो चुकी है पूरी 350,000 की फैमिली। तो गाइस, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमेशा बनाए रखिएगा। और गाइस, 400 के भी ज्यादा दूर नहीं है यार। तो गाइस, इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो जल्दी से कर दो ना यार, क्योंकि गाइस आप लोग तो जानते हो ना, सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री में हो जाता है। क्यों भैया, मैंने सही कहा ना? ओए, मैंने बिल्कुल सही बात कही है। सब्सक्राइब करना, लाइक करने के तो पैसा ही नहीं लगता। ओए, एकदम तोड़ दो और फोड़ दो, बचना नहीं चाहिए। चलिए भैया, अब थोड़ा सा हम लोग गेम में ध्यान देते हैं। ओए, एक तो मुन्ना, ये इंट्रो देने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मुश्किल झेलना पड़ता है, इतना ऊपर आ गए हम लोग। हे भैया यार, ये अपनी आर्मी के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। ये तो भैया छोटी सी हाइट है यार, इससे भी ऊंचाई में जा सकते हैं हम लोग। ओए, लेकिन मुन्ना ऊंचाई में जाएंगे कैसे? ओए हे भैया यार, जाएंगे एक दिन, जरूर जाएंगे। हे यार, कैसे हो बेबी ड्रैगन्स? ओए मुन्ना, वो बेबी ड्रैगन्स नहीं रह गए हैं। ओए हाँ भैया यार, लेकिन जब कितने छोटे थे ना यार, देखिए भैया बड़े हो चुके हैं। ओए मुन्ना, बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। ओए ड्रैगन्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? ओए हे भैया, देखिए कैसे दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। ओए बैठे रहने दे, चल दोनों खड़ा कर देते हैं, हमारे साथ थोड़ा सा खेल फिर ले। ओए वैसे मुन्ना, इन लोग की ट्रेनिंग चल रही है अभी। हाँ भैया यार, इन लोग की ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी है। ओए आ भी रहे हैं कि नहीं, तो भाग का चला जा रहा है। हे भैया आएंगे। अब भैया समझदार हो चुके हैं दोनों लोग। ओए मुन्ना, जब ये छोटे छोटे थे ना, एकदम ऐसे भागते थे, हम लोग पकड़ भी नहीं पाते थे। ओए हाँ भैया यार, वो तो शरारत तो करते हैं, सभी लोग छोटे में शरारत करते ही रहते हैं। चलिए भैया, ए भैया ये क्या यार, तुरंत हमारे पास ही आ गए। ओए मुन्ना, बहुत प्यारे ड्रैगन्स हैं। हाँ भैया, तो ये लोग कहना भी मानने लगे हैं। चलिए भैया, अब ये लोग तो घर के अंदर नहीं आ सकते, हम लोग को भैया अपना घर भी बड़ा करना पड़ेगा यार, इतने घर से कैसे काम चलाएंगे। ओए बात तो सही कही मुन्ना, हम लोग का घर बहुत छोटा है, बेचारे ड्रैगन्स भी अंदर नहीं रह सकते। ओए मछली नहीं पकती क्या मुन्ना? नहीं भैया, इस मछली को नहीं पकाया जा सकता यार। हे यार भैया, ड्रैगन्स के लिए खाना भी नहीं है। चलिए भैया, सबसे पहले हम लोग उस विलेज की ओर चलते हैं जो भैया हम लोगों ने पिछली बार ढूंढा था यार, नया विलेज था, आपको याद है ना? ओए याद तो है, इसको क्या हो गया? हे भैया आ जाएगा यार हमारे साथ। चलिए भैया, पहले उस विलेज की ओर चलते हैं। ओए आ तो रहा है कि नहीं, पहले देख तो लेता। ओए ये रही सीप, ये ले मुन्ना, ड्रैगन के खाने का इंतजाम हो गया। ओए हे भैया, इतने खाने से कैसे होगा यार? हे यार भैया, ड्रैगन सा नहीं रहे, क्या हो गया? ओए कहाँ चले गए, कहीं फंस गए क्या दोबारा से? एक तो मुन्ना भी साइज में बड़े होते जा रहे हैं ना, कहीं फंस वगैरह ना जाए। वो देख, एक हमारा फंस ही गया है, और ये रहा इंडर ड्रैगन, तुम्हारा यहीं पर है। ओए कहाँ चला गया फायर ड्रैगन? ओए ये रहा मुन्ना, अभी तक फंसा हुआ है। हे भैया, इसको निकालना पड़ेगा, रुक जाइए मैं निकाल दे रहा हूँ। हे भैया ये क्या यार, इंडर ड्रैगन भी बेचारा टेलीपोर्ट हो गया। ओए मुन्ना, दोनों को साथ रहने में आदत पड़ गई है, एक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। चलिए भैया जल्दी से निकाल लीजिए। ओए मुन्ना, वैसे निकाल तो दिया है, देखते हैं आते कि नहीं। ओए ओए आ रहे कि नहीं? ओए आ गए, दोनों लोग आ गए मुन्ना। हाँ भैया आ तो गए। चलिए भैया, आप थोड़ा सा हंटिंग कर लीजिए, क्योंकि भैया हमारे ड्रैगन के लिए खाना भी तो इकट्ठा करना है ना। और बात सही कहे, और निकल ले सीप। आज मुन्ना बहुत सारे सीपों को मारना पड़ेगा, क्योंकि मुन्ना अपने ड्रैगन के लिए खाना बहुत ज्यादा कम है। ओए हाँ भैया वही तो यार। चलिए भैया निकल ले यार सीप। ए नहीं छोड़ूंगा, ये ले। ओए और कहाँ पर है ये रही, और कैसी है सीप, निकल ले। ओए और भी है क्या कोई? ओए हमारे ड्रैगन के लिए खाना इकट्ठा करना है। ओए ये रही मुन्ना इधर साइड। ओए ये कौन से गड्ढे में गिर गया? हे भैया यार, आप भी ना, कौन से गड्ढे में गिर गए? चलिए निकलते हैं यार। अब भी ना भैया, पता नहीं कौन कौन से गड्ढे में गिर जाते हैं, देख कर नहीं चलते क्या? और मुन्ना अचानक से आ गया, और निकल ले थी, पानी में कहाँ जा रही है, निकल ले, जय की तलवार से बच नहीं पाएगी। हे भैया यार, इसका भैया बताइए खाना इकट्ठा हो रहा है कि नहीं? और मुन्ना खाना एकदम बढ़िया तरीके से इकट्ठा हो रहा है, ये ले एक और मार दी। ओए चलिए भैया, थोड़ा सा हम लोग उस विलेज को भी एक्सप्लोर कर कराते हैं, क्योंकि भैया नया विलेज है यार। और रुक जा, थोड़ा सा खाना इकट्ठा कर रहे थे। ओए सीप कैसी है? बाय बाय। ओए हे भैया, उसका भी मार दिया। ओए मुन्ना, ड्रैगन के खाने के लिए कुछ भी? ओए चल अब उस विलेज को एक्सप्लोर कर कराते हैं। ओए बेबी ड्रैगन, ये लो खाना खा लो। ओए मैं भी बेबी बोलने लगा। ओए हाँ भैया यार, अब तो इनका नाम भी रखना पड़ेगा। बस भैया एक बार नेम टैग मिल जाए, तब भैया इनका नाम भी रख देंगे। ओए मुन्ना, भी नेम टैग मिली कहाँ रहा है? ओए ओए निकल सी, भाग कहाँ रही है? हे भैया मारिए, छोड़िएगा नहीं, ये लो यार, नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ओए मर गई मुन्ना, वैसे बहुत खाना कलेक्ट हो गया। हे भैया, आपने एक चीज देख रहे हैं क्या? ओए क्या है? हे भैया यार, ड्रैगन्स भी अपनी सीप मारने में मदद कर रहे हैं। ओए कहाँ मदद कर रहे हैं? हे भैया रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ। इसको मारिए भैया। ओए इसको ना, हाँ भैया मारिए, वो देखिए भैया, अपने इस ड्रैगन ने मार दिया यार। ओए मतलब मुन्ना ये हम लोग की मदद कर रहे हैं।
हाँ भैया यार, शिकार करना इनको भी सिखाना पड़ेगा। चलिए भैया, इसको थोड़ा सा मार के देखे, देखिए अपने ड्रैगन मारने आएंगे। ओ ये क्या, बहुत बढ़िया, शिकार कर लो इसी तरह से। हाँ मुन्ना, बात तुमने सही कही, इनको भी शिकार करना सिखाना पड़ेगा। हे भैया, ये लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं यार, देखिए कैसे मार रहे हैं। देखिए भैया, इसको मारिए, आप दोनों नहीं बचेंगे। ओ ये क्या कमाल ही कर दिया, बहुत बढ़िया ड्रैगन। ओ मुन्ना, मैं तो जानता ही नहीं था। हे भैया यार, वो लोग हम लोग की मदद भी कर रहे हैं यार, क्योंकि भैया खाना कलेक्ट करने में, और मुन्ना आप तो ये लोग अपने से भी खाना कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ भैया वो तो है। आ गए भैया दोनों लोग। ओए आ जाओ इस विलेज को एक्सप्लोर करते हैं ड्रैगन। और पिगी तू भी निकल ले। ओए और क्या है कोई, चलिए भैया इस विलेज को भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओए मुन्ना, ये विलेज बड़ा अजीब टाइप के हैं। हे भैया अजीब है भैया, ये क्या यार, इंडर ड्रैगन तो अंदर ही घुस आया। ओए मुन्ना, लगता है हमारे पास ही रहना चाहता है। वो वाला ड्रैगन कहाँ चला गया? हे भैया वहीं पर होगा यार, आस पास होगा, टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। ये क्या यार भैया, इतना ऊंचा घर, ऊपर भैया चढ़ते कैसे होंगे विलेजर? ओए मुन्ना, लगता है विलेजर भी पागल है, अब हम लोग को ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पता नहीं ऐसा घर कैसे बना सकते हैं, सीढ़ियां भी नहीं लगाते। ओए हे भैया, शायद दूसरी तरफ से रास्ता हो। ओए देखता हूँ भला दूसरी। ओए कहाँ मुन्ना, दूसरी तरफ से रास्ता है, ये देख के लोग चढ़ते पागल है लोग लगता है। ओए ऐसे भैया यार, विलेज तो बड़ा लग रहा है ये। ओए तो विलेज बड़ा है तो एक्सप्लोर करते हैं ना। ओ मुन्ना, अपना बेचारा इंडर ड्रैगन यहीं पर फंस गया क्या? हे भैया निकल आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, टेलीपोर्ट हो जाएगा वो। और चल फिर और घर को भी देख लेते हैं। हे भैया यार, विलेज को एक्सप्लोर करते करते शाम हो गई। और मुन्ना ये घर देख बड़ा लग रहा है। हाँ भैया यार, चेस्ट भी नहीं है। चलिए चलते हैं। ए यार भैया, ये कहाँ से गिर गए? ओए मुन्ना, लगता है दिमाग से पैदल है विलेजर, ऐसा घर कौन बनाता है, इतनी ऊंचाई पर कोई गेट लगता है क्या? हे यार भैया, पता नहीं कैसे कैसे घर बनाते हैं, और भैया उसके अंदर रह भी रहे हैं ये। और पागल मुन्ना, मैंने पहले ही बोला था। और ये देखे, चेस्ट मिल गया। हे भैया यार, फाइनली चेस्ट मिल गया। हे भैया ये क्या यार, इस चेस्ट में तो भैया बहुत कमाल कमाल की चीजें है। ओए मुन्ना, आर्मर भी मिल गया, ये देख ऑब्सीडियन मिल गया, एक सैडल मिल गई। हे भैया यार, ये तो कमाल ही हो गया। ओए धोती फाड़ के रुमाल हो गया। चल मुन्ना, विलेज को एक्सप्लोर कर लिया, अब हम लोग घर भी चलते हैं। ओए हाँ भैया यार, अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। चलिए भैया, अब घर भी चलते हैं। देखे यार भैया, रात भी हो चुकी है, कहीं ज़ॉम्बी वगैरह दोबारा स्पॉन हो जाए। हमारे बेचारे ड्रैगन भी छोटे छोटे हैं। और मुन्ना, ड्रैगन को छोटा समझने की कोशिश भी नहीं करना, सबको तोड़ देंगे फोड़ देंगे। हाँ भैया वो तो है यार, लेकिन भैया हमारे लिए तो अभी भी छोटे है ना। और भैया उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है, और वो बात तो सही है। और ये देखा गए, ओए मुन्ना फायर ड्रैगन कितना ज्यादा चमक रहा है। ओए हाँ भैया यार, रात में बहुत ज्यादा दोनों खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखिए भैया। ओए कमाली है ड्रैगन, ओए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ओए वैसे मुन्ना, ड्रैगन कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। हाँ भैया, अभी तो इनका साइज और भी बड़ा होगा। ओ चलिए, आर्मर को बदल कर पहन लेते हैं। देख मुन्ना, कम से कम हम लोग का टोपी और पैंट तो मिल गई। हाँ भैया, उसे हेलमेट बोलते हैं यार। ओए कुछ भी बोले, पहले टोपी ही है। ओए वो देख, सामने तीन हड्डियां हैं। ओ नहीं छोड़ूंगा ये ले। भैया यार, तुम ज्यादा डैमेज दे रहे हैं यार, और भागना पड़ेगा और क्या। ओ मुन्ना बच गए बाल बाल। हे भैया ये क्या यार, अपने ड्रैगन ने उनको मार दिया यार। ओ ये क्या, ओ बहुत बढ़िया ड्रैगन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ओए हाँ भैया, मैंने बोला था ना यार। ओए मैंने बोला था, ये लोग सेफ्टी अपने खुद कर सकते हैं। देखिए भैया यार, दोनों कितने चमकदार लग रहे हैं। देखिए भैया, इंडर ड्रैगन की आंखें चमक रही है, और भैया उसकी देखिए पूंछ से लेकर पूरी शरीर ही चमक रही है। ओए मुन्ना, क्या खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। ओए चल मुन्ना, आ जाएंगे अपने घर की तरफ। ओए मुन्ना, घर बनाना नहीं भूलना हम लोग को। हाँ भैया यार, एक बड़ा घर बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस नमूने को निपटाइए भैया। ओए नमूने, तूने मेरे भाई को टच किया, निकल ले। ओए मुन्ना, वैसे हेल्थ हम लोग की बहुत ज्यादा कम बची है, रुक जाइए भैया, खाना खाते हैं ना यार, मुझे भूख लगी हुई है, आप भी खा लीजिए। ओए मैंने पहले ही खा लिया है। चल अब घर की ओर चलते हैं मुन्ना, बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो लगे हैं। हाँ भैया यार, लगता है हम लोग एक परफेक्ट आर्मर बनाना ही पड़ेगा। ओए मुन्ना, आर्मर की जरूरत तो हम लोग को है ही है। ओए चल, ये घर आ गया। ओए ड्रैगन आए हैं कि नहीं? हे भैया, ड्रैगन आएंगे तो बाहर ही तो रहेंगे यार, क्योंकि भैया घर के अंदर तो फिट ही नहीं हो गए। ओए बात सही कही। ओए ये क्या है, कोई अगल बगल है क्या मॉन्स्टर? हे भैया यार, इनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। चलिए भैया, तब तक खाना ही पका लेते हैं ड्रैगन्स के लिए। चलिए भैया, अभी इस मॉन्स्टर को ढूंढिए, कहाँ पर होगा। ओए रुको, जा भी इस नमूने को तोड़ता हूँ, लगता है जैक की पावर को जानता नहीं है। ओए ओए नमूने तो है कहाँ, रुक जा, मैं खाना खा कर आता हूँ। हे भैया चलिए, अब इसको ख़त्म करते हैं यार। और रुक जा मुन्ना, कहीं क्रीपर ना हो फट जाए। हाँ भैया यार, पिछली बार क्रीपर ही आ गया था। ए कहाँ चला गया यार? ए भैया यार, ये देखे क्रीपर ही है, और निकल ले। और ये क्या, पीछे नहीं हो पा रहा।
हे भैया, भैया फटी गया आखिरकार। मैंने बोला था ना भैया, क्रीपर बहुत ही बेकार होते हैं। ओ, ये नमूने तुरंत ही फट जाते हैं। चल अब सोते हैं। Tomorrow. ए भैया, सुबह हो गई यार। ओए गुड मॉर्निंग मुन्ना। ओए अभी तक खाना पक रहा है ड्रैगन्स का? हाँ भैया पकी रहा होगा। चलिए भैया हम भी खा लेते हैं। ओए ये क्या मुन्ना, अभी तो पूरा पका भी नहीं है। हाँ यार भैया, तब तक सामान रख देते हैं। चलिए भैया सामान भी एकदम बढ़िया से रख दिया। ओए चल मुन्ना, भी पूरा खाना तक पका है नहीं, इतने से ही काम चला लेते हैं। ओए हाँ भैया, अभी तो वो लोग बड़े हो चुके हैं, अब तो अपने ही से खाना कलेक्ट कर सकते हैं। देखे यार भैया, क्रीपर ने कितनी बर्बादी कर दी। ओए मैंने बोला था हम लोग को घर बनाना चाहिए, हम लोग इतने घर में कब तक रहेंगे। हाँ भैया यार, बनाना तो आई है। चलिए यार भैया, इसको पहले सही कर देते हैं। ये क्रीपर भैया कितने बेकार होते हैं ना, तुरंत एक जगह पर फट जाते हैं। और मुन्ना इनका ये पैसा ही है शुरू से, जहाँ भी हम जैसे लोगों को देखते हैं तुरंत ही फटना शुरू हो जाते हैं। ओए एक मिनट का टाइम भी नहीं देते। है यार भैया, अब आपको टाइम देंगे क्या यार? वो भैया मॉब से यार हम लोगों से हमेशा चिढ़ते रहते हैं। एक बार मुन्ना मुझे क्रीपर का खानदान मिल जाए ना, पूरे खानदान को ही उड़ा दूंगा। ओए है यार भैया, कैसी बातें करते हैं। क्रीपर तो भैया हर जगह स्पॉन होते रहते हैं। ये तो भैया यार सुबह होते जलने भी नहीं लगते। जैसे भैया जॉम्बी लोग जलने लगते हैं, हड्डियां वगैरह जलने लगती हैं, ये लेकिन भैया जलते नहीं है। और ये बात तो मुन्ना मैं तेरी मानता हूँ कि सभी लोग जलने लगते हैं, लेकिन ये मुन्ना क्रीपर नमूने जलते नहीं है। ओए कैसे है फायर ड्रैगन? ओए चल मुन्ना, आज इनको हम लोग उड़ना सिखाते हैं। हाँ भैया यार, इनको उड़ना सिखाना बहुत जरूरी है। अभी तो भैया उड़ भी नहीं पाते होंगे। ओए मुन्ना ये ड्रैगन्स है, बचपन से इनकी माँ इन्हें उड़ना सिखा देती है, उड़ना बढ़ता कैसे नहीं होगा। लेकिन भैया यार इनकी माँ तो है ही नहीं है इनके पास, तो कैसे उड़ना सिखाएंगे? ओए तो हम लोग सिखाएंगे नहीं लोग को। ओए आ जाओ ड्रैगन्स, आज तुम्हें उड़ना सिखाते हैं। ओए हाँ भैया चलिए, पहले हम लोग इससे सिखाते हैं। ओए मुन्ना ये रात में बहुत चमकदार लग रहा था। ओए ये क्या सैडल पहन लेता है? हाँ भैया यार पहन तो लेता है। मतलब भैया इसके ऊपर हम लोग चढ़ सकते हैं क्या? ओ ये क्या मुन्ना, चढ़ भी सकते हैं? हाँ भैया यार चढ़ सकते हैं। ये देखे यार भैया, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? ओए अच्छा तो मैं भी लग रहा हूँ, और ये ड्रैगन भी अच्छा लग रहा है। ओए चल उड़ जा मेरे दोस्त। ओ ये क्या मुन्ना, सचमुच उड़ गया। ए यार भैया, हम लोग आसमान की ऊंचाइयों में है। ओ मुन्ना मैं तो सपना ही पूरा हो गया। ओए बहुत बढ़िया ड्रैगन, ऐसे उड़ता है। ओए हे यार भैया, कितना अच्छा उड़ रहा ना यार। ओए मुन्ना मैंने बोला था ना, ये ड्रैगन्स है बचपन से उड़ना जान जाते हैं। हाँ भैया यार, ये तो सचमुच भैया एक सपना टाइप का है। देखिए भैया ये ड्रैगन उड़ रहा है। ओए मुन्ना मुझे भी दिख रहा है। ओए चल इसकी फ्लाइट ट्रेनिंग तो हो गई, अब उसकी फ्लाइट ट्रेनिंग देखते हैं। ओए हाँ भैया यार, इंडर ड्रैगन की फ्लाइट ट्रेनिंग देखना पड़ेगा। क्योंकि भैया दोनों को बराबर सिखाना है, और भैया एकदम मजबूत बना लेना है, क्योंकि भैया कोई भी ड्रैगन आए तो इनसे टक्कर न ले पाए। चाहे भैया माइनक्राफ्ट की कोई भी चीज आ जाए, इन भैया ड्रैगन से पंगा न ले पाए। ओए बात सही कही। चल मेरे प्यारे ड्रैगन उड़ चल। ओए हे भैया यार, उड़ान भर दो ड्रैगन। ये देखे भैया, ये भी उड़ने लगा यार। और मुन्ना क्या ही गजब उड़ रहा है, अभी तक हम लोग समझ रहे थे उड़ ही नहीं पाते होंगे। हाँ भैया यार, हमारे साथ साथ चल रहे थे ना अभी तक। देखिए भैया, आज हम लोगों ने इन्हें उड़ाया, और भैया देखिए फाइनली उड़ गए यार। ओए देख रहा है, एक बार में कितना अच्छा उड़ना सीख गए हैं लोग। हाँ भैया वो तो है यार। अभी तो भैया इनका और भी बड़ा साइज होगा। ओए और भी बड़ा साइज होगा? हाँ भैया अभी और बड़ा साइज होना बाकी है यार, अभी बहुत छोटे हैं। ओए मुन्ना, मैंने बचपन की कहानियों पढ़ा था कि ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंका करता है। हाँ भैया यार, वो तो फेंकता ही है, इंडर ड्रैगन को ही देख लीजिए भैया। अपने मुंह से भैया कितनी जहरीली चीज फेंकता है, बॉल फेंकता है। और ये क्या मुन्ना, फायर ड्रैगन को तूने देखा क्या? हाँ भैया यार, उसके मुंह से धुआं निकला। ओए मतलब मुन्ना तू समझ रहा है क्या? हाँ भैया कुछ कुछ समझ रहा हूँ। चलिए भैया टेस्ट करके देख ही लेते हैं क्या जाता है यार। ओए मुन्ना, अगर बात ये सच हो गई ना, तब तो मजा ही आ जाएगा। हाँ भैया वो तो है यार। ये देखिए भैया, सीधा उड़ लेता है। वो ये आग फेंकेगा क्या? पता नहीं भैया फेंकेगा कि नहीं। ओए फायर ड्रैगन, दिखा दे अपनी एबिलिटी। हे भैया अभी शायद छोटा हो, शायद अपनी एबिलिटी ना जानता हो। ओए जानता है मुन्ना, ये देख। ओए क्या बात है। हे भैया यार, ये क्या अपने मुंह से आग फेंक रहा है ये तो। ओए क्या बात है फायर ड्रैगन, तूने तो कमाल ही कर दिया। हे भैया यार देखिए, हम लोग ड्रैगन के ऊपर चढ़े हैं। अब तो भैया हम लोग को कोई भी नहीं हरा सकता। और सीन्स निकल लो, अब सभी को जला डालूंगा। ओए ये लो, ड्रैगन के खाने का इंतजाम हो गया। हे भैया यार, ये तो इनकी बहुत ही कमाल की पावर है यार, आग फेंकने की। ओए क्या बात है मुन्ना, उड़ने के साथ साथ फायर करना। ओए हाँ भैया यार, इसने तो आग ही लगा दी। चलिए भैया, इसको तो ट्राई कर लिया, थोड़ा सा इंडर ड्रैगन को भी देख ही लेते हैं क्या भैया वो अपने मुंह से बॉल फेंकेगा कि नहीं। ओए मुन्ना, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हे भैया, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा यार।
और बहुत बढ़िया फायर ड्रैगन, गुड जॉब। ओए चलिए भैया अब थोड़ा सा इसकी भी टेस्टिंग कर ली जाए, इसको भी सिखाया जाए फायर करने की ट्रेनिंग। ओए इंडो ड्रैगन उड़ चल आसमान की ऊंचाइयों पर, चलते हैं। ओए हाँ भैया चलिए चलते हैं। ये भी फायर करेगा क्या भैया? ओए देखते हैं। ओए क्या बात है मुन्ना, ये देखा तूने? हाँ भैया यार देखा तो मैंने। देखिए भैया इसकी दूसरी कलर की फायर है। ओ ये फायर नहीं है मुन्ना, ये जहरीली बॉल फेंक रहा है जो कि इंडो ड्रैगन फेंका करता था। हाँ भैया लेकिन इंडो ड्रैगन तो बॉल फेंका करता ना यार। ओ ये देख उससे भी पावरफुल है मुन्ना, ये तो इसका कलर देख रहा है इस इंडो ड्रैगन का। ये यार ये तो बहुत ही पावरफुल इंडो ड्रैगन लग रहा है। ओए मुन्ना देख हमारे पास दो दो कमाल के ड्रैगन है। ओए हाँ भैया वही तो देख रहा हूँ। देखे भैया उड़ने भी बनता है और भैया फायर भी कर लेते हैं ये लोग। ये देखे भैया क्या कमाल की पावर भैया। और बात तो सही कही है मुन्ना, अब तो ये लोग हम लोग के दोस्त भी है ना। हाँ भैया यार दोस्त तो है लेकिन भैया अगर ये और बड़े हो जाएंगे ना, अभी तो भैया छोटे छोटे ही हैं। जब भैया एकदम ड्रैगन की साइज में आएंगे तब तो भैया एकदम धमाली मचा देंगे यार। ओए कमाल कर देंगे मुन्ना ये लोग। चल दोनों भाइयों को एक साथ ले जाते हैं ओए, और दोनों को खाना खिलाते हैं क्योंकि मुन्ना आज की इनकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रही। ओए हाँ भैया चलिए सैडल निकाल लीजिए। ओए ये ले निकाल ली सैडल। ओए बहुत बढ़िया ट्रेनिंग की तूने भी इंडो ड्रैगन, गुड जॉब। ओए चलिए भैया दोनों बैठ गए। दोनों को खाना खिला देते हैं। ओए ये ले फायर ड्रैगन तू भी खाना खा ले। ये क्या तो खा ही नहीं रहा। ओए तू खाएगा? लगता है भैया दोनों का पेट भरा हुआ है क्योंकि भैया अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले खिलाया था ना। ओए शायद उसी लिए होगा, सही कहा तूने। ओए लेकिन मुन्ना आज की ट्रेनिंग में मजा ही आ गया। हाँ भैया आज की ट्रेनिंग में तो मजा ही आ गया, फुल टू मजा आ गया। और दोनों ड्रैगन्स को आज फुल टू 10-10 पॉइंट मिलते हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस एक लाइक जरूर मारिएगा इन ड्रैगन्स के लिए, इन ड्रैगन्स की ट्रेनिंग के लिए एक लाइक तो बनता है ना गाइस। और चैनल पे नए है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज इन दोनों ड्रैगन्स की ट्रेनिंग कैसी रही यार। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय और गुड बाय यार। और सभी के लिए टाटा बाय बाय मेरी तरफ से भी। ओए I think the girls with their nails done now.